दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड में गाय के पेट में ऐसा होल क्यों किया जाता है, और इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे इंटेलिजेंट बर्ड कौन सा है? या फिर क्या आप जानते हैं कि कुछ इंसानों के कान के पास ये छोटा सा सुराख होता है, और ये किस वजह से बनता है? इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर वन, आपको याद है कि बचपन में आप कलर किया करते थे, तो साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक कलरिंग बेस्ट अल्टरनेट है मेडिटेशन का। आप बोलते हो ना कि मेडिटेशन नहीं होता, ये बोरिंग है, बट मेडिटेशन से जो फोकस और फ्रेशनेस मिलती है वो कलरिंग से भी मिल सकती है, क्योंकि जब आप कलरिंग करते हो तो सही फोकस के साथ करते हो, और उससे भी आपका माइंड बहुत इम्प्रूव होता है। मतलब कि कलरिंग करना आपके क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है और आपकी मेमोरी को भी और स्ट्रांग बना सकती है। फैक्ट नंबर टू, हर कंपनी में एक ऐसा मेंबर होता है जो कि पूरी कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें सिर्फ ओनर ही नहीं होता बल्कि और भी बहुत से लोग होते हैं। जैसे निंटेंडो जो कंपनी है, ये सुपर मारियो को ओन करती है, और सुपर मारियो के जो मेकर हैं शिगेरू मियामोटो, उनको निंटेंडो कंपनी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी में रखती है। और इनके लिए एक इलाज है कि ये अकेले अपने बाइक पे ऑफिस नहीं आ सकते, क्योंकि वो उनके लिए रिस्की हो सकता है, और कंपनी चाहती है कि ये हमेशा एकदम सिक्योरिटी में आए, इसलिए इन्हें अलाउड ही नहीं है बाइक पे ऑफिस आना। किसी भी हाल में कंपनी इनकी केयर करना आती है, क्योंकि जब इन्होंने सुपर मारियो को क्रिएट किया था तो वो कंपनी को बहुत ही आगे ले गया था। फैक्ट नंबर थ्री, लेक बेकाल, ये एक लेक है, और पूरी दुनिया के 100% पानी में से 20% पानी सिर्फ इसी लेक में मौजूद है। मतलब इस पूरी दुनिया का 20% पानी सिर्फ एक ही लेक में मौजूद है, और ये दुनिया की सबसे गहरी लेक है, इसलिए इसमें पूरी दुनिया का 20% पानी मौजूद है, और ये लेक 25 मिलियन ईयर्स पुरानी है, इसीलिए इसे ओल्डेस्ट लेक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर फोर से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर फोर, जिम में लोग इतना वेट उठाते हैं, मूवमेंट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उनकी जो इतनी मेहनत है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं? इको जिम, ये एक ऐसा जिम है जिसमें जितना भी इक्विपमेंट है उसको इस तरीके से सेट किया गया है कि अगर कोई जिम में चेन पुलिंग कर रहा है या फिर साइकिलिंग कर रहा है, वो एक टरबाइन को रन करता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कुछ ऐसा गजब का सिस्टम बना दिया गया है, और ऐसा करने से जो एक्चुअल में जिम में बिजली यूज हो रही है वो कम यूज हो रही है, क्योंकि इस तरीके से ही अच्छी खासी बिजली आ रही है, तो इससे जिम की सेविंग भी होती है। मतलब मेहनत इज इक्वल टू पैसे की बचत, दैट्स गजब। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के सिटीजन को काउ मिल्क काफी ज्यादा पसंद है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि स्विट्जरलैंड में गाय बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड की वेदर कंडीशन और कैटल फूड की वजह से अक्सर वहां पर गाय का डाइजेशन खराब रहता है, जिसकी वजह से हर साल स्विट्जरलैंड में बहुत बड़े स्केल पर काउस खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों, इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए स्विट्जरलैंड ने अजीब सा कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जिसमें वहां के डॉक्टर सर्जरी करके गाय के स्टोमिक पर कुछ इस तरह का होल बना देते हैं। दरअसल दोस्तों, गाय का स्टोमिक चार अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड रहता है, जिसमें से रूमेन सबसे ज्यादा गाय के डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, और ये होल इसी चैम्बर के ठीक ऊपर बनाया जाता है, ताकि इस होल के जरिए गाय के डाइजेशन प्रोसेस को मॉनिटर किया जा सके। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गाय को जब डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस होल के थ्रू कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को गाय के स्टोमिक में डाल दिया जाता है। स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स का ये मानना है कि सर्जरी बेहद सेव और पेनलेस है, और इस तरीके की होल की वजह से बहुत सारी काउस की जान भी बचाई जा चुकी है। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों, ये स्नेल होता है गार्डन स्नेल, मतलब जो हमें नॉर्मली दिखता भी रहता है, इसे अगर आप ब्लेड के ऊपर से पास करोगे तो ये नहीं कटेगा। टिपिकली अगर आप किसी इंसेक्ट को ब्लेड से पास करोगे तो वो मर जाएगा, बट ये नहीं मरेगा, ये आराम से पास हो जाएगा। इसकी रीजन ये होती है कि स्नेल की बॉडी की जो आउटर लेयर होती है वो 98% वाटर होती है, और जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कट होकर दोबारा एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये केमिकल रीजन की वजह से होता है कि स्नेल की बॉडी कट ही नहीं होती। फैक्ट नंबर सेवन, दुनिया में एक से बढ़कर एक अनोखी जॉब है, जिसके बारे में हम अक्सर अपनी वीडियोस में भी बताते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक जॉब है जिसे कहते हैं पांडास नैनी, मतलब पांडास की दादी माँ। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अगर आप एक पांडा की नैनी बन गई हैं, तो आपको $32,000 यानी करीब 53 लाख रुपए पर ईयर का पैकेज मिलता है। पर दिक्कत ये है कि ये जॉब सिर्फ और सिर्फ चाइना में अवेलेबल है। फैक्ट नंबर एट,
आपकी जो वॉकिंग स्पीड होती है वो एक्चुअली में आपके साथ कौन है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का चल रहा है रोड पर, तो उसके बगल में अगर कोई लड़की है, उसकी कोई फीमेल पार्टनर है, तो उसकी वॉकिंग स्पीड एवरेज में 7% कम हो जाती है। अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है तो वो चाहता है कि मैं डेस्टिनेशन तक स्लोली स्लोली पहुँचूँ, मतलब कि होले होले पहुँचूँ। पर अगर ग्रुप ऑफ गर्ल्स लड़कियां साथ साथ चल रही हैं, तो उसमें उनकी वॉकिंग स्पीड सबसे स्लोएस्ट होती है इन कंपैरिजन टू ऑल दी सिचुएशंस। और जब लड़के आपस में ग्रुप में चल रहे होते हैं तब उनकी स्पीड फास्ट होती है एक सिंगल चलने वाले लड़के की स्पीड से। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपको आइलैंड के बारे में तो पता ही होगा, समंदर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर आप पेड़ पौधों को ज्यादातर देखते होंगे और एक दो घरों को देखते होंगे। बट कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है? तो दोस्तों उस आइलैंड का नाम है सेंटा क्रूज डेल स्लोट और ये कोलंबिया के कोस्ट में वाकया है और ये सिर्फ 0.012 किलोमीटर लंबा है और इसमें 1200 से ज्यादा लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद सभी बर्ड में से पैरट को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है? तो वहीं बात पैरट्स की जाए तो पैरट्स में अफ्रीकन ग्रे पैरट को सभी पैरट में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। दोस्तों अफ्रीकन ग्रे पैरट में एक तोता था जिसका नाम था एलेक्स, जिसको इस पूरी दुनिया का सबसे समझदार परिंदा माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जाता है? दरअसल दोस्तों एक नॉर्मल पैरट आपकी बातों को सुनकर आपकी मिमिक्री कर सकता है, लेकिन वो कभी भी खुद से कोई जुमला या सवाल बनाकर आपसे नहीं पूछ सकता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके ब्रेन को काफी ज्यादा शार्प होना चाहिए। ह्यूमन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऐसी क्वालिटीज होती हैं, लेकिन कोई भी दूसरा बर्ड या एनिमल ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ये एलेक्स नामी तोता ऐसा कर सकता है। ये तोता आपको 6 तक गिनती सुना सकता है, 7 रंगों को पहचान कर आपको बता सकता है और 35 अलग अलग शेप्स को पहचान कर बता सकता है। ये तोता आपको छोटे छोटे सवालों के जवाब भी दे सकता है और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसको दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड माना जाता है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों हम अक्सर सुपर पावर्स की बातें करते रहते हैं, तो क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट सुपर पावर कौन सी है? मार्वल के अमेजिंग कैरेक्टर्स के जो क्रिएटर हैं स्टैन ली, उनके हिसाब से हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जो सुपर पावर होती है वो होती है लक, किस्मत। किस्मत से बड़ी सुपर पावर और क्या हो सकती है? स्टैनली ने ये बात खुद कही थी। इनका मानना था कि इफ यू आर लकी, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू अकॉम्प्लिश, लक वुड बी द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। मतलब कि अगर आप लकी हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं और किस्मत दुनिया की सबसे बेहतरीन पावर है। फैक्ट नंबर 12, एक फिश की एक बहुत ही यूनिक सी नस्ल होती है जिसे कहते हैं द ओपा। इसका साइंटिफिक नाम है लैम्प्रिस बुटेटस और इसे एक वार्म ब्लडेड फिश कहा जाता है और ये सबसे अजीब दिखने वाली फिशेस में से एक मानी जाती है और ये फिश हाइट में भी बहुत बड़ी होती है। फैक्ट नंबर 13, आपको पता होगा कि कंपनी के शेयर्स बाय किए जाते हैं। आप कंपनी के शेयर्स खरीद के उसकी कुछ परसेंट ओनरशिप ले सकते हैं। इनको देखें, मिक मेरल, मैन हु सोल्ड शेयर्स इन हिमसेल्फ। जी हाँ, ये सही है। साल 2008 में मिक मेरल नाम के इस इंसान ने अपने आप को 1000 शेयर्स में बांट दिया। मतलब एक कंपनी में अगर आप शेयर लेते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में डिसीजन लेने की पावर मिल जाती है। तो इस इंसान ने अपने आप को शेयर में बेचा, मतलब अगर आप इस इंसान को पैसा देकर इसका शेयर लोगे तब ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है उसको आप रेगुलेट कर सकोगे और आप जो उसको बोलोगे वो वही करेगा और ये वर्ल्ड का फास्ट पब्लिकली ट्रेडेड मैन है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों कुछ लोगों के कान के ऊपर छोटा सा सुराख होता है, पर क्या आप जानते हैं कि ये सुराख क्यों होता है? दरअसल दोस्तों इस दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनके कान पर छोटा सा होल होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में प्रियरिकुलर सिनस के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में सबसे पहली बार साइंटिस्ट वैन हुशिंगर ने 1864 में बताया था। दोस्तों बात अगर यूके की जाए तो उसकी कुल आबादी का 9% हिस्सा इसी डिसऑर्डर का शिकार है। दरअसल दोस्तों ये गैप खास तौर पर उन जगहों पर होता है जहां पर हमारे चेहरे और कान की नरम हड्डियां आकर मिलती हैं। जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर के पेट में बच्चे के बनने का प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हो पाता और चेहरे और कान की हड्डियां आपस में ठीक तरीके से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से कान के आसपास ये छोटा सा होल बन जाता है जो शेप और साइज में एज के साथ साथ बदलता रहता है, और इस छोटे से सुराख की वजह से कोई भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। फैक्ट नंबर 15, जूलियस कैसर ने जब पहली बार जिराफ को डिस्कवर किया था तब वो इन्हें कैमलोपार्ड्स कहते थे, क्योंकि जो जिराफ होते हैं वो उनके हिसाब से कैमल और लेपर्ड्स का मिक्सचर होते हैं। जब ये मैंने पहली बार सुना था तो ये मेरे माइंड को भी हिट किया कि हाँ रे, ये तो काइंड ऑफ लेपर्ड्स और कैमल्स की तरह के होते हैं। फैक्ट नंबर 16, जिस्मानी वजन में कमी अक्सर अफराद का हदफ होता है, मगर ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि अक्सर मसलसल कोशिशों के बावजूद कामयाबी हासिल नहीं होती।
تاہم کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ خاتون کہا ٹونسل مین نے ایسا بہت کم عرصے میں کر دکھایا اور وہ بھی جم میں قدم رکھے بغیر. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خاتون پوری زندگی موٹاپے کے خلاف جدوجہد کرتی رہی تھی اور ان کا ماننا تھا کہ وہ اپنے جینز کی وجہ سے اس پر قابو نہیں پا سکتی. ایک کتاب کو پڑھ کر وہ اپنی زندگی میں آسان تبدیلیاں لانے کے لیے پرعزم ہوئی اور بہت کم عرصے میں اپنا جسمانی وزن 130 کلو گرام سے کم کر کے لگ بھگ 76 کلو کرنے میں کامیاب ہوئی. جی پیارے دوستو, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. آپ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.